मर्याग्रह। ये देखो ये तो है नाग नागिन का जोड़ा, इसका काटा तो मर जाए एक, एक एक ही घंटे में। ये देखो दो सांप है, उत्ती रही उत्ती रही। और भाई आज हम पहुंचे हैं इंद्री के पास और गांव है जी खेड़ा, और आज तीन सांप देखे गए हैं। बहुत खतरनाक सांप है, दो तो कोबरा है और एक दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। और पर यूं मत कहियो भाई, तीसरा सांप भी हमने दिखा दे, क्योंकि वो सांप सिर्फ हमने दिखा है, और किस तरह दिखा वो आपने बतावांगे। पहले नाग नागिन का जोड़ा पकड़ लिया, फिर तीसरा सांप भी आपने दिखावांगे। और भाई उस जगह पहुंच गए हैं जहां जो ये किसान है, क्या नाम है ये अपना? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, और भाई किसान भाई है, खेतों काम है, लेकिन जगह ऐसी है कि अंदर ये देखो आप बिजली का काम है, और एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा। और भाई फिर खतरा हो सका है, और इन्होंने सांप की मेरे पास वीडियो भेजी थी, तो इस प्लेट के नीचे सांप बता रहे हैं और जोड़ा बता रहे हैं, इसके नीचे, इसके नीचे जोड़ा है। और भाई तीसरा सांप है, उड़ का डक मारा है वो, और पूरे कुनबे का मारा है, अकेले का नहीं मारता, पूरे परिवार ने, और लेकिन उसका काटा कई साल में मर्या करे। ये देखो ये तो है नाग नागिन का जोड़ा, इसका काटा तो मर जाए एक एक ही घंटे में। ये देखो दो सांप है, और इंद्री के पास गांव है खेड़ा, और ये देखो दोनों की मेरे पास वीडियो आई थी, लेकिन तीसरा सांप एक ऐसा सांप है जो पूरे परिवार ने काटा है, काटा है उस किसान भाई ने जिसका एक किला दो किला तीन किला है, जो 10-20 किले का कोई मालिक है उसने तो काटता नहीं, और जो 1-2 किले वाला खेती मत करियो भाई, अपना ठेके बाद दे बजे कर कोई धंधा ढूंढ लियो, ठीक है ना। तो इसके नीचे है जी ये दोनों, और भाई लाइन काट दीजिए ट्रांसफार्म की, लाइन काटो जी, क्योंकि बिजली का काम है, ठीक है। किसान ने सांप का भी खतरा और बिजली का भी खतरा, दोनों खतरे हैं। टोपी तो काट दे, और ये देख सको भाई, एक तो चलता फिरता और एक आराम से बैठा है, जो बिल्कुल जेट ब्लैक है वो आराम से बैठा है, और जो थोड़े से ब्राउन कलर में वो थोड़ा सा घूम रहा है। और भाई तीसरा सांप आप समझ गए होगे, जो नहीं समझे तो भाई आपने इशारा भी कर दूं, कदे तो मेरी माँ भी खुश हुई थी, मेरे छोरी ने बीए कर ली, पर हम भी खुश हुए थे कि वो बेटे बीए होगी नौकरी मिलेगी, पर मिली नहीं, पर हम तो सांप लड़ने तक बच गए, क्योंकि मैंने तो अपनी रेड़ी लेकर सब्जी बेच ली थी। और भाई नहीं तो जो 1-2 किले का जमींदार हो खेती मत करियो भाई। और भाई ये देखो दो हैं जी, तीसरा तो दिखता को नहीं ना, तीसरा तो हमने दिखा है ना, कोई नहीं पकड़ जाएंगे। और भाई इसने प्लेट ना उठावा, और ये लाइन काट दीजिए। और भाई थोड़ी चोट लग रही थी, सो ज्यादा लेट पहुंचे, इन भाइयों से थोड़ी माफी मांगा, और दूर का काम था। और भाई सुराख तो है, और ये उत्ती रही, एक तो नुगा भाई पीछे हट ले, मैं कल तेरा। और भाई भाई तू भी कट्ठा आ जा, फिर जब कट्ठे थे तो कट्ठे आ जाओ। उत्ती रही ये तो भाई दोनों ही वीडियो बना, कमल का दंड अच्छी तरीके हो मोटा है, और जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसी जगह बैठे थे, प्लेट उठा दिया। और भाई खतरनाक सांप है, और काट जाए तो फिर टाइम नहीं देंगे, पहले से भिड़ी की तरिया चिंगर रहे, पहले तो तहिये की तरिया कुदर, केचुड़ी भी पड़ी है जी, देखो ये पुरानी केचुड़ी है, बिल है जी, उधर कोने में डोरी आ रही है ना, लेकिन उधर गए नहीं है। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, दादी बैठे हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई आ जाओ, इकट्ठे उठाओगे जी दोनों ने, लो सब मौसम की साज के, ये ले रही प्रकर ले बस बस ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। और जी जी बढ़
आजा भाई आ जा गलन का भी तो ठीक हो रहा है आजा भाई आजा 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 साइड चल साइड चल ये साइड हो जी कोई चिंता ना करो ये तो जी मैं यूं को वो भाई बच गया जिसने भी तरह अगर कोई तार तूर बदला है ना बड़ी मुश्किल हो गई गुस्से में थे ये काट जंदे छेड़े नहीं फिरी बस किसान का काम ही ऐसा हुआ जी कदे सांप कदे बिच्छू कदे अंदर भी तो कई आए फंसे थे अंदर भी मारे दो नहीं थे है भी एक सी लंबाई एक लंबाई है सब नर्मदा जी हम नर्मदा है तो नर्मदा जी ये बड़ा सा आधा थोड़ी सी और बड़ी और लिस्ट कह दे भाई तुम्हारी है ना इनको लिया कम तेज जी अगर सांप काट जाए तो इसमें कितनी देर बाद मृत्यु हो सकती है ये तो जी एक घंटे में आदमी को मार देगा अगर तुरंत इसको एंटीडोट नहीं मिला तो सांस रोक देगा तो अंदाजन कितनी एज होगी इनकी ऊपर जाओ ये जी है जी 4-4 साल के सांप इसके लिए तो जी एंटीडोट जरूरी है इसमें कोई ज्यादा नहीं काम करेगा अगर कोई यूं कंधा हो ना भाई मैं सांप का काटा झाड़े तो बचा दूं तो 10 लाख रुपए इनाम है रिकॉर्डिंग कर लिया है भी ऐसे सही इंजेक्शन लगा जी इसके काटे के तो जैसे कि लोग पहले झाड़े झपटे पे जाते हैं तो वो गलत है जी वो गलत है झाड़े झपटे तो वो ठीक होंगे लागा हमने जिसका पानी वाला सांप काट गया पीला सांप काट गया क्योंकि उसमें जहर नहीं होता ना मतलब किसी सांप का कोई झाड़ा नहीं है किसी भी सांप का कोई झाड़ा नहीं है जी रिश्तेदारी मारे जी रिश्तेदारी मैं एकदम मैं बड़े समय मत मिला मैं पड़े और लियो मोटी सी है ये मोटी नाकण है जी हां ये मोटी नाकण है जी क्योंकि मादा थोड़ी बड़ी है इसमें नहीं महसूस हो रही है वैसे भी तेज है चलो भाई चलो 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 अब चला जाएगा अरे थोड़ी चोट लग रही है थोड़ा सा भाई नहीं 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 पुराने का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा भाई सेफ्टी आ रही है यू अपने उसमें चढ़ जाओ ऊपर अपने शरीर पर कुछ चढ़े ना एक तो गया ना यू इसके पीछे पीछे लग लगा इसमें भी दो सा है मुझे पता लग गया कहां है चल बड़ी देर में गया अंदर चलो भाई चलो और भी चला जा बात है ना भाई चोट के हिसाब से दांव पेच लड़ाने पड़े नहीं तो मार में भी इतनी फुर्ती है जितनी इनमें चोट लग का काम खराब हो गया छत से गिर गए थे अम्बाला स्कूल में सांप पकड़े थे ना वहाँ वो छत कंडम थी तो छत से गिर गए थे 4 पछड़ी टूट गई थी नहीं अब तक तो ये कह देंगे भाई जाओ हम तो इनने भी मेरा थोड़ा सा कमजोर है ठीक है दोस्तों भाई इंद्री के पास पहुंचे थे गाँव खेड़ा बड़ा जहरीला सांप है एशिया का सबसे जहरीला सांप है और तीसरा सांप भाई वो है जो दिखदा नहीं कोई एक दो किले का जमींदार ट्रैक्टर वाले ने पूछता फिर आ जाएगा अगर भाई एक डाबरा जुआर का बोधे कोई नहीं जाओगा तो वो अपना खेती बाड़ी छोड़ का है मेरी तरिया चाहे तो सब्जी बेच लियो चाहे गोलगप्पे की रेड़ी ला लियो चाहे सांप पकड़ लियो सांप और तीसरा सांप खतरनाक है ये इतने खतरनाक नहीं है ये ट्रेनिंग के बगैर पकड़े जा सका ना जी बिना कोर्स के नहीं पकड़े जा सकते जी ठीक है भाई समझ गए होगे जिसने तीसरा सांप देखा हो भाई कमेंट जरूर कर दियो तो मौसम में बूंदाबांदी हो रही है थोड़ा सा जो भी काम करे देख के करे और जहां देखता हो भाई यहां सांप हो सका क्योंकि वहां पुरानी केचुड़ी भी है अब सांप भी मिल गए
तो ऐसे थोड़ा सा लाइट का प्रबंध रखे रात को खेत में आए तो, और जो घर में जो कमरा है सोने का, जो खेत में कमरा है, जो खाद वगैरह रखा सामान रखा है, भीड़ भीड़ में सामान रखा है, और फर्श में कोई बिल ना हो, अगर कोई ऐसी चीज़ हो बिल वगैरह बंद कर दो।